करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। इतनी बात भी मेरे अप्पू भी ऐसे ही है। मुझे तो लगता है दुनिया के सारे अप्पू ऐसे ही है। कहते हैं अब कोई घूमने ले जाते ना हमारी कोई फरमाइश पूरी करते हैं, सिर्फ संडे तो संडे को ही दिखाई देते हैं, वरना सुबह जाते हैं रात को घर सो जाने के बाद आते। दूसरे बच्चों के पापा अपने लिए महंगे महंगे खिलौने और चीजें ला कर देते, मेरे अप्पू तो मुझे सिर्फ उम्मीद ही देते रहते। बिल्कुल सही कहा, दुनिया के सारे अप्पू एक जैसे हैं, खुद से ज्यादा अपने बच्चों और अपने फैमिली का ख्याल रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इनका दिल नहीं करता होगा कि वो घर में रहे, सुकून से बैठकर आराम करें? पता नहीं, चाहते तो होंगे। और जहाँ तक बात है आपकी फरमाइश उनकी सैलरी होंगी, वो चाहकर भी आपकी फरमाइश पूरी न कर सके। हो सकता है हमारी जरूरतें पूरी कर पाने के बाद इनके पास इतने पैसे ही न बचते हो कि वो हमारी फरमाइशों को भी पूरा करें। मैंने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। और जहाँ तक आंखें दिखाने की बात है तो वो उनकी ड्यूटी है, वो हमें हमेशा बुरी बातों से रोके और अच्छी बातों की तरबियत दे। अच्छा फैजान भाई, ये बात है, आपकी जरूरतों में कभी कोई कमी आई हो? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। कभी ऐसा हुआ कि आप बीमार हुए और आपके अब्बू को आपकी फिक्र न हुई हो? सबसे परेशान होने वाले मेरे माँ बाप है। आपके अब्बू आपको छोड़कर कभी घूमने चले गए? नहीं तो कभी नहीं। कभी ऐसा हुआ कि आपके अब्बू ने तो कुछ अच्छा खाया हो और तुम्हें ना दिया हो? नहीं तो बिल्कुल नहीं। अगर वो अच्छी डिश कम पड़ जाती तो हमें देते और कहता मेरा दिल नहीं कर रहा। अगर ये प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है? माँ और बाप दोनों मोहब्बत करते हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत नजर आती है और बाप की मोहब्बत को महसूस करना पड़ता है। मैं कितना गलत सोच रहा था अपने अब्बू के बारे में। आई लव यू अब्बू, आई लव यू मेरी मम्मी। बाप एक सयादार दरख्त होता है। इन बच्चों ने मुझे अपने वाली उन्होंने मुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाए, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे खिलौने दिलाए। और वो बच्चे जिनके वालिदैन उनकी फरमाइश पूरी नहीं करते, मैं सिर्फ घर के बच्चों से बात नहीं करता, घर के दूसरे भी अफराद है, जोजा भी है, बेटी भी है। बेटी कहती है अब हमारे लिए कुछ नहीं लाते, बीवी कहती है कुछ नहीं लाते। अरे उस बेचारे से पूछो उसकी मजबूरी क्या है, सुबह घर से निकलता है चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो बारिश में भी जाता है, कोई बस में बैठ कर जाता है, कोई दो दो बसें बदल कर जाता है। छुट्टी करूँगा तो तनख्वाह कम हो जाएंगी, तनख्वाह कम होंगी तो बच्चों का कैसा पूरा करूँगा? और कपड़े भी वक्त पर लाने होते हैं और उनकी स्कूल की फीस भी भरनी होती है, खाना भी वक्त पर लाना होता है। उससे पूछो जिसका बाप चला गया हो। और बहुत प्यारी बात, इस बच्चे ने कही कि माँ का प्यार नजर आता है पर बाप का महसूस करना पड़ता है। बाप एक सायदार दरख्त होता है, कभी दरख्त को देखा है? उसके ऊपर के पत्ते कड़म होते हैं, वो अपने ऊपर सारी धूप सह लेता है और उसके नीचे अपने बच्चों को छाव देता है। लेकिन बाद अवकात लोग अपने बाप की कदर नहीं करते, अपने बाप को बुरा भला कहते हैं, उससे लड़ते झगड़ते, उसे गलत गलत बातें कहते हैं। याद रखो मेरे आका का मजकूर है कि वालिद की रजा में अल्लाह की रजा है और वालिद की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। धन्यवाद। माशाल्लाह सफा जमालुद्दीन माकर की तरफ से जोगा तारा के लिए एक धन्य सफा आया है। साथ ही फातिमा रफीक राउत इनकी तरफ से 1,000 रुपए का आके आया हुआ है और असलम बड़े की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया हुआ है जोगारा तारा इस डांस के लिए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ ड्रामे के लिए अहमद मनेर की तरफ से 100 रुपए का आके आया हुआ है, मैं इनका भी दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। शेतकरी हा ग्रामीण भागातील प्रमुख व्यवसाय, शेतकरी हा ग्रामीण भागातील प्रमुख व्यवसाय, काळ्या मातीत घाम गाळून मोत्याचं पीक काढायचं त्यासाठी त्याला गरज असते ती जीवाशिवा बैल जोडीची, असा हा आमचा बळीराजा। बळीराजा तुझ्या कष्टाला अंत नाही, बळीराजा तुझ्या कष्टाला अंत नाही, तुझ्या सारखा तुझ्या कोणी संत नाही।
तूच देशाची भक्ती, तूच देशाची शक्ती, आन तुझ्यावर आमची भक्ती। सादर करीत आहे शेतकरी गीत, आम्ही जातीचे शेतकरी, खातो कष्टाची भाकरी। सादर करती वैष्णवी डवडे आणि ग्रुप इयत्ता पाचवी च्या मुली, शेतकरी नृत्य।